नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन मेरे साथ। देश और दुनिया की अहम खबरों और मुद्दों की सर्जरी, जिसमें आपकी भागीदारी भी है बेहद ज़रूरी। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद कमेंट डालना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें बिरला विद्या निकेतन और दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे मशहूर स्कूलों में सीनियर पोजीशंस पर काम कर चुकी मनीषा इस समय दिल्ली में ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल की सीईओ हैं, स्कूल चला रही हैं। वो मोदी सरकार से बेहद खफा हैं, नाराज हैं और साथ ही कई मुख्यमंत्रियों से भी वो बहुत दुखी हैं। आखिर क्यों? हमने बहुत सुना है, कई बार सुना था बीजेपी के टॉप लीडर्स से कि केंद्र में और राज्य में अगर एक ही सरकार होती है तो सामंजस्य बहुत अच्छा होता है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, पॉलिसीज बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाती हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक ऑर्डर पास किया एम्प्लॉयमेंट इसके द्वारा कि आपको किसी भी एम्प्लॉयी की सैलरी आप डिडक्ट नहीं कर सकते ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बिल्कुल सही बात है क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी जो काम करते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, सैलरी के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं और कोई सोर्स ऑफ इनकम होती नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य की जो सरकारें हैं, 24 तारीख को जैसे ही लॉकडाउन का डिक्लेरेशन होता है, 25 तारीख को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा एक ऑर्डर पास किया जाता है कि कोई भी स्कूल पेरेंट्स को प्रेशराइज नहीं करेगा फीस के लिए। बिल्कुल सही बात है, हम सब एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे एक भयावह स्थिति है, पूरा विश्व इससे लड़ने की कोशिश कर रहा है, इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और उस दरमियान एक ऐसा ऑर्डर आना कि आपको किसी से फीस के लिए, एक स्कूल के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम फीस होती है, ये लोगों को मालूम होना चाहिए। और उसके बाद में ये कहना, ये देखिए, हम एक साइकिल है, समाज एक पूरा साइकिल है जिसमें हम लोग एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं और आपका ये ऑर्डर मतलब इतना इलॉजिकल, इतना इरेशनल है कि जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। मुझे नहीं पता वो किसको प्लीज करने के लिए, कौन सी लोग हैं जिनको वो प्लीज करने के लिए ये सब कुछ ऑर्डर निकाला गया कि फीस नहीं ले सकते आप। उसके बाद में दोबारा से एक सर्कुलर निकाला जाता है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक आप फीस के लिए पेरेंट्स को नहीं बोल सकते। तो सोचने की बात, सेम फॉलो किया गया, सेम ही सिस्टम फॉलो किया गया उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के द्वारा। योगी जी की मैं बहुत सराहना करती हूँ, मैं उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, मैं उन्होंने जो जिस तरीके से फी का रेगुलराइजेशन किया प्राइवेट स्कूल्स में, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, वो एक तरीका है कंट्रोल करने का, लेकिन ये कहना कि जब तक स्कूल जब बंद है, लॉकडाउन है, तब तक आप किसी से फीस नहीं ले सकते, तो ये मुझे थोड़ा इरेशनल लगता है कि आपको कम से कम सोचना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल्स में जॉब करने वाले, प्राइवेट कंपनीज में जॉब करने वाले लोग भी इंसान ही होते हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। और आपने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सहानुभूति रखती हूँ मैं गरीबों के लिए और बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। गरीबों के लिए खाना दिया जा रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उनके सोर्स लिविंग के लिए, लाइवलीहुड के लिए सब कुछ किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहना करती हूँ मैं इस चीज़ की। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी सोचना चाहिए कि टीचर्स जिनके पास में पैसे नहीं आएंगे, सैलरी नहीं मिलेगी, वो लाइन में जाकर के खड़े होकर के खाना नहीं मांगेंगे किसी से, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो किसी से भीख नहीं मांग सकते। लेकिन स्थिति बिल्कुल वही है, लाइन में खड़े होने वाली स्थिति है, लेकिन वो खड़े नहीं होंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं जिनकी सैलरी के ऊपर पूरा घर चलता है और वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, मुझे ये जानने की उत्सुकता है। दूसरी बात ये कि फीस जो होती है वो सारे खर्चों में से एक खर्च होता है, एक एक्सपेंस होता है आपका। फीस आपके लिए अगर मान लीजिए आप 100 रुपया है तो 100 में से 10 रुपया जो होता है या 5 रुपया होता है वो आप फीस के प्रति आप खर्च करते हैं।
हर आदमी अपने हिसाब से फीस स्कूलों में पढ़ाता है, अपने बच्चों को एडमिशन कराता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मैं बहुत प्रशंसक हूँ, बहुत उनको अप्रिशिएट करती हूँ, फॉलो करती हूँ उनको, उनके द्वारा की गई पॉलिसीज़ को मानती हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपका ही ये कथन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अगर एक ही गवर्नमेंट होती है तो फिर इस तरीके के इरेशनल और इलॉजिकल सर्कुलर्स का, ऑर्डर्स का पास होना, इसका क्या औचित्य है? क्या केंद्र सरकार को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, या राज्य सरकार केंद्र सरकार को कंसल्ट नहीं करती है ये सब कुछ करने से पहले? लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य है कि आज प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं है। आज भी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक, जिनकी शायद समाज में बहुत इज्जत होती है, लेकिन आज के दिन वो बहुत दुखी हैं, उनको सैलरी डिसबर्स नहीं की गई है, और वो सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्डर्स की वजह से, जिन लोगों को सरकारी दफ्तरों में जो लोग काम करते हैं, जिनको एक अप्रैल को सैलरी डिसबर्स हो गई थी, वो भी अब सैलरी नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ उन ऑर्डर्स के रेफरेंस के माध्यम से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर कोई भी स्टेप ले रहे हैं आप, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए था। थोड़ा सा अगर रैशनल होकर के सोचते कि हमें पूरे समाज के बारे में सोचना है। आप भी जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल में भी, गवर्नमेंट स्कूल्स भी बंद हैं, सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बंद हैं, लेकिन सैलरी फिर भी डिसबर्स हो रही है। ये एक पूरा का पूरा एक साइकिल है। आप हमें जो सैलरी मिलती है उससे हम टैक्स पे करते हैं, टैक्स के द्वारा सरकार के पास जाता है, सरकार के बाद ये पूरा का पूरा समाज जो है एक साइकिल है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के ऑर्डर्स पारित होने चाहिए थे जिससे किसी की ज़िंदगी अफेक्टेड होती। और जहाँ तक गरीबों की बात है, हाँ, मैं भी उन लोगों से बहुत सहानुभूति रखती हूँ और बहुत कुछ करने का उनके लिए प्रयास भी करती हूँ। लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनको पूरा विश्व आज बहुत उम्मीद के साथ देख रहा है, कृपया करके इस देश में लगभग चार लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं, और लगभग अगर आप माने अप्रॉक्सीमेटली अगर 100 एम्प्लॉयज भी अगर माने कि एक स्कूल में हैं, तो लगभग 4.5 करोड़, 4 से 4.5 करोड़ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो आज आपकी ओर देख रहे हैं, बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि शायद आप कोई निर्णय लेंगे जिसके माध्यम से हमारी लाइफ। और एक स्कूल में सिर्फ मैं बताऊँ, टीचर्स नहीं होती हैं, स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, सफाई कर्मचारी भी होते हैं, सपोर्ट स्टाफ भी होता है, असिस्टेंट टीचर्स होती हैं, टीचर्स होती हैं, प्रिंसिपल होता है, ऑफिस का स्टाफ होता है, पीएन होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जीवन डिपेंडेंट होता है स्कूल में। और जो फीस देने वाले लोग हैं उनके लिए फीस सिर्फ एकमात्र एक छोटा सा अंश होता है जो वो स्कूल को पे करते हैं। वो भी मैं नहीं मानती कि वो एक एक्सपेंस है, वो एक इन्वेस्टमेंट है जो आप करते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के प्रति। तो मेरा हाथ जोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध है कि कृपया करके संज्ञान लीजिए। सिर्फ गरीब और अमीर इस देश में नहीं है, इस देश में एक मिडिल क्लास भी है जो आज बहुत बुरी तरीके से इफेक्टेड है, और हम इस तरीके के कोई भी निर्णय ना लें जिससे कि किसी की भी जिंदगी पर किसी भी प्रकार का फर्क पड़े। कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा, केवल ट्यूशन फीस डिमांड करेगा, वो भी महीना वार लेंगे। कोई स्कूल पेरेंट्स को 3-3 महीने की फीस नहीं चार्ज करेगा। इसके साथ जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को स्कूल्स की तरफ से, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से, सभी बच्चों को देनी होगी। अगर कोई पेरेंट फीस नहीं दे पा रहा है तो उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन टीचिंग से नहीं हटाया जाएगा, उनको ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं काटी जाएंगी, ये आदेश दिए। साथ में कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं चार्ज करेगा इस दौरान, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन पे कोई खर्चा नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन फीस चार्ज करने की जरूरत नहीं है।
एक महीने की फीस के अलावा कोई और, एक महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी स्कूल, वो चाहे प्राइवेट जमीन पे बना है या सरकारी जमीन पे बना है, कोई भी स्कूल एक महीने की ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी पेरेंट से कोई और तरह की फीस चार्ज नहीं करेगा, ना ट्रांसपोर्ट फीस चार्ज करेगा, ना कोई एनुअल चार्ज चार्ज करेगा, कोई चार्ज नहीं लेंगे। साथ में यह भी ऑर्डर दिया गया है कि सभी प्राइवेट स्कूलों की, चाहे वो सरकारी स्कूल पे, सरकारी जमीनों पे बने हैं या प्राइवेट जमीन पे बने हैं, ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने सभी स्टाफ को, टीचिंग और नॉन टीचिंग, कॉन्ट्रैक्ट का हो या आउटसोर्स किया हुआ हो, सभी स्टाफ को समय पे सैलरी उपलब्ध कराएंगे। अगर किसी तरह का उनके रेवेन्यूज में कोई शॉर्टफॉल है तो जो अपनी पेरेंट संस्था है उससे पैसा लेके पूरा करेंगे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से किसी स्टाफ की सैलरी नहीं रोकेंगे और पैसे की कमी के बहाने पर किसी बच्चे को पढ़ने से नहीं रोकेंगे। ये दोनों इंस्ट्रक्शंस इस ऑर्डर में साफ साफ हैं। और ये ऑर्डर दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दोनों के अधिकारों के तहत जारी किया गया है, क्योंकि इस वक्त पूरा देश कोरोना की आपदा से जूझ रहा है। पूरे देश में कोरोना को आपदा घोषित करके आपदा कानून लागू है, तो इस आपदा कानून के लागू होने के समय में इन आदेशों का जो पालन नहीं करेगा स्कूल, उसके खिलाफ दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और आपदा कानून दोनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। कई न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर हम इन दोनों खबर देख सकते हैं। आप भी देख रहे होंगे कि पेरेंट्स सरकार से अपील कर रहे हैं कि जब तक स्कूल बंद हैं तब तक बच्चों से फीस न ली जाए, ऐसा आदेश जारी किया जाए। कई पेरेंट्स ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्कूल की फीस में डिस्काउंट कर दिए जाएं। ऐसे में स्कूल चले कैसे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था कर चुके हैं और अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं हो और पढ़ाई चलती रहे, उसमें कोई असर ना आए। लेकिन जब फीस ही नहीं दी जाएगी तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो फीस पर निर्भर हैं, अपने कर्मचारियों को, अपने टीचर्स को इसी से पे करते हैं। ऐसे भी पेरेंट्स होंगे जो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि फीस में कटौती की जाए या फीस रोकी जाए। इसी में से एक पेरेंट से हमने बात की, देखिए वो क्या कहते हैं। बिल्कुल ठीक नहीं साहब, जबकि आप मानवीयता दृष्टि से देखेगा तो यहाँ पर एक लिमिट होता है। आपको तो शायद मालूम होगा पूरा देश भर में 3,39,000 to 40,000 स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, तो एक मतलब बर्डन का ही मैटर रहता है। जबकि पता है आपको उनका जो इनकम रहता है बिल्कुल लिमिटेड रहता है, वो लोगों को उनका ऊपर ओवरहेड्स भी रहता है, जैसा कि बस का एक्सपेंसेस है और स्कूल बस रहता है, उनका स्टाफ रहता है और उनका टीचर्स और प्यून्स जो भी है, क्लरिकल पोर्ट जो भी है, उनका सब सैलरी वगैरह उनको ही बैर करना पड़ता है। तो इसमें सरकार कभी मांग सकता है, जब कोई अनुदान वो स्कूल्स को दिया हो या सरकार का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हो उस वक्त मांग सकता है, जबकि कोई प्राइवेट लोगों को ज्यादा तो कुछ ऐसा मिलता नहीं है, फिर कैसा करे। ऐसा तो नहीं है कि धीरूभाई अंबानी स्कूल है या फाउंडेशन है तो उनको सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का उनको अनुदान दे दिया है, ऐसा तो सब स्कूल को मिलता नहीं ना साहब। अगर ऐसा अनुदान मिलता तो वो लोग भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, ये किसी भी हालत में हो नहीं सकता साहब। प्राइवेट छोटे छोटे स्कूल ये नहीं कर सकते, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील पर समूचे देश में उनके चाहने वालों को हमने ढोल बजाते देखा है, तालियां बजाते देखी हैं, दिए जलाते देखे हैं, जिसमें आम से लेकर खास तक सभी शामिल हैं। हम आपको नरेंद्र मोदी का वो बयान याद दिला दें जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना के संकट की घड़ी में कंपनियां हो या फिर आम लोग हों, वो अपने कर्मचारियों को नौकरी से ना निकालें, क्योंकि कोरोना के इस लॉकडाउन के दरमियान सभी अपने अपने घरों में बंद हैं, मजबूरी है उनकी, और उनको फाइनेंशियल मदद करें। ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स की, जो बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग से नहीं चलती है और बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट के माध्यम से नहीं चलते हैं, ऐसे हजारों की संख्या में स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं देश भर में, वो कैसे चलें।